फिर फ्रागन चार क्वेश्चन है। वी हाइसन जी का मतलब होता है व्हाट्स योर नेम, और वी का मतलब व्हाट नहीं होता, बट फिर भी पूरे फ्रेज का मतलब, पूरे क्वेश्चन का मतलब ये निकलेगा व्हाट इज योर नेम। इसको ऐसे भी कह सकते हैं हाउ आर यू कॉल्ड, बिकॉज हाइसन का मतलब है टू बी कॉल्ड। इस हाइसन मतलब आई एम कॉल्ड देवकरण। ओके, सो वी हाइसन जी हाउ आर यू कॉल्ड, इस हाइसे मयंक शर्मा, माय नेम इज मयंक शर्मा। वोहेर कॉमन जी, वोहेर कॉमन का मतलब है वेयर डू यू कम फ्रॉम, वोहेर कहां से, वेयर फ्रॉम। वी का मतलब होता है हाउ, व्हाट, रेयरली जब कोई एड्रेस की बात आए, जब कोई नाम की बात आए, टेलीफोन नंबर की बात आए, मतलब कुछ स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में ही व्हाट के लिए भी वी यूज कर लेते हैं, बट जनरली वी का मतलब आप देखोगे तो हाउ निकलेगा, इसका मतलब हाउ। वोहेर का मतलब है वेयर फ्रॉम, वो का मतलब है वेयर। मैं डब्ल्यू वर्ड्स बाकी भी लूंगा बट ये चार लेने अभी जरूरी हैं। वो का मतलब है वेयर, कहां, एंड वस इज व्हाट। चार डब्ल्यू क्वेश्चंस, डब्ल्यू वर्ड। वी हाइसन जी हाउ आर यू कॉल्ड, इस हाई से मयंक शर्मा आप अपना नाम बताओगे, इस हाई से देवकरण। वो हैर कॉमन जी वेयर डू यू कम फ्रॉम, इस कॉमे आउस राजस्थान, आप जहां के हो वहां का बताओगे। वो वोनन जी कहां रहते हो आप, अभी मैं जयपुर में रहता हूं, इस वोने इन जयपुर, इन गुड़गांव, इन जर्मनी, इन पालमपुर, इन म्यूनशन, वट एवर सिटी। वस माखन जी वट यू डू, इश लर्न डॉच, आई एम लर्निंग जर्मन। अगर आपसे मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछूं तो यही आंसर देना आपको पर्टिकुलर, लेकिन अगर मैं आपसे ये बोल दूं ब्रिटिश टेलिंग जी जिशफोर, तो पूरा एक साथ आएगा, पूरा इंट्रोडक्शन बिटे स्टेलन जी जिशफोर। पहली लाइन का मतलब है प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अगर मैं ये बोल देता हूं बेटे स्टेलन जी जिशफोर, तो आप ये व्हाइट वाले एक के बाद एक सारे एक साथ ही बोलोगे। अभी फॉर द टाइम बीइंग इतना ही आपका इंट्रोडक्शन, बाकी हम लोग बाद में बढ़ाएंगे। मैं बोलूंगा बेटे स्टेलन जी जिशफोर, तो आपको बोलना है इश हाई से मयंक शर्मा, इश कॉमे हाउस राजस्थान, इश वोन इन जयपुर, इश लर्न डॉइच। एक बार देख लो इसको, देख लो बस एक बार ना, इसको देख लो और फिर अपना इंट्रोडक्शन बोलोगे आप सब, समझ लो इसको। फोटो तो आ ही जाएगी बट लिख भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार बोलना है। नहीं वो तो ऑब्वियस क्या, बिना देखे बोलना, सब देख के बोलना, देख के बोल सकते हैं, सामने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है अभी आज, तो कल बिना देखे बोलवाऊंगा तो आगे के लिए बिल्कुल इंट्रोडक्शन सर हर जगह थोड़ी रहेंगे। ब्रिटिश टेलन जी जिशफोर, ब्रिटिश टेलन जी जिशफोर, ओनली फोर स्टेटमेंट्स। इश हाइजे सुशांत सरकार, इश कॉमे हाउस राजस्थान, इश वोने इन जयपुर, इश लर्न डॉइच, इश लर्न डॉइच। कोलकाता भी बता सकते हो, अभी तो जयपुर में होता सर, अभी जयपुर होता। हाँ हाँ, अभी रहते हो उसके लिए तो ये है, और कॉमे हाउस के लिए जहां से हम हैं वो ऐसे। या सागर, ब्रिटिश टेलन जी जिशफोर, इश हाइजे सागर, इश कॉमे हाउस आगरा, इश वोने इन आगरा, इश लर्न डॉइच। ओके, या सो आगरा भी बताया, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप उत्तर प्रदेश बता सकते थे, आई कम फ्रॉम यूपी, इश वोने इन आगरा। ओके, डिपेंड्स, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, देखो बताना क्या है ये समझना है बस।
बोलने के बाद में स्पीकर ऑफ करना पड़ता है। सो फॉर एग्जांपल मान लो कोई बंदा अभी जर्मनी में है तो वो बोलेगा इश कोमा हाउस इंडियन, मैं हूं इंडिया का, रहता जर्मनी में हूं। अब बंदा है ही जर्मनी में, वहां कोई पूछता है तो वो ये नहीं बता सकता इश कोमा हाउस भगत सिंह की ढाणी, तो समझ ही नहीं आएगा ना उसको। उसको तो कम से कम जयपुर, राजस्थान, इंडिया ऐसा कुछ बताना पड़ेगा कि लोग समझ जाएं, उस पर डिपेंड करता है वो। सो मान लो हम लोग अलग अलग स्टेट के हैं तो हम लोग अपना स्टेट का नाम बोलेंगे और फिर जहां पे अभी हैं उस सिटी का नाम बोलेंगे। अलग अलग स्टेट के हैं तो स्टेट का नाम, मान लो सारे राजस्थान के हैं तो यहां पे राजस्थान भी बोलने का वो मतलब नहीं रह जाता। सारे राजस्थान के हैं तो आप बोलोगे डिस्ट्रिक्ट का नाम बोल सकते हो, आई कम फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और आई लिव इन जयपुर, सब जयपुर में रह रहे हैं सपोज, और सारे ही जयपुर के हैं तो हो सकता है फिर वो बरकत नगर और सोमेशपुरा और सरदारपुरा ये बोलने लग जाएं। तो उसमें लोगों को सामने वाले जो ग्रुप है, ऑडियंस कहाँ है, उस पर डिपेंड करता है। बट ये इजी है हमेशा ही अपने स्टेट का नाम, कंट्री का नाम, एंड देन द सिटी यू कम फ्रॉम। ओके गुड, नाम रितिक, रितेश टेलर इज फोर। ऋतिक शर्मा, इस गो में हाउस राजस्थान, इस गो में इन जयपुर, इस लर्न इन डॉच, इस लर्न इन डॉच, इस लर्न इन डॉच, या कीर्ति इस टेलर इज फोर। इस हाई कीर्ति चौहान, इस गो में हाउस इंडियन, इस गो में इन जर्मनी, इस लर्न डॉच। ओके इस लर्न इन डॉच, सो जर्मनी को बोलते हैं डॉचलैंड, दैट इज लर्न डॉयचलैंड, जैसे ये डॉयच है ना, डॉयच, डॉयच का मतलब तो जर्मन हो गया, और डॉयच के आगे एल ए एन डी, लैंड मतलब कंट्री, जर्मन कंट्री मतलब जर्मनी। हाँ इसमें अपनी सिटी का नाम भी बता सकते हैं ना, जहाँ हम रहते हैं जर्मनी में। हाँ यहाँ पे सिटी का नाम बता सकते हैं इस वाले में, इश वोने इन म्यूनिक, म्यूनिशन, म्यूनिक में ही हो तुम। हाँ. तो इस वोने इन म्यूनिशन, म्यूनिक को म्यूनिशन बोलते हैं। या जो इस तरह स्नेहा ब्रिटिश टेलर जी जिस फोर। इस शाइसे स्नेहा, इस कॉमे ऑस इंडिया, इस वोने इन स्टुटगार्ट डॉयचलैंड, इस लर्ने डॉयच। ओके इंडिया को भी इंडिया नहीं बोलते वो, देखो क्या हो रहा है, जर्मनी को जर्मनी नहीं बोलते, इंडिया को इंडियन बोलते हैं। अब कोई बोले कि इंडियन का मतलब तो ये हो गया कि मैं इंडियन हूं, ना वो नहीं हुआ है, इंडियन का मतलब है इंडिया। ओके थोड़ा सा अजीब लग सकता है, इंडियन का मतलब है इंडिया और डॉयचलैंड का मतलब है जर्मनी। अब कोई बोले अगर मेरे को ये बोलना हो कि मैं इंडियन हूं तो इंडियन के लिए बोलना पड़ेगा हमको, जैसे अपने कल्चर में इंद्र, इंद्र मतलब भगवान इंद्र और इंद्राणी है ना, उस तरह की वर्ड है इंडर। जो भी मेल पर्सन हैं इंडिया में वो सब जर्मनी में बोलेंगे इस बिन इंदर, मैं इंद्र भगवान हूं, इंडर। और जो फीमेल पर्सन है वो बोलेंगी इंडर इन, मैं इंद्राणी हूं, नहीं वो नहीं है मतलब, बट वर्ड वही है, इंडर का मतलब है नेशनलिटी इंडियन, और इंडर इन मतलब फीमेल। इंडिश का मतलब हो गया वो एक एडजेक्टिव हो गया, आपको अगर ऐसे बोलना हो इंडियन किचन, इंडियन बुक्स, इंडियन फिल्म, वो एडजेक्टिव है इंडिश। आप ये नहीं कह सकते इस बिन इंडिश, ना आप तो नाउन इंडर, इंडर इन बोलना पड़ेगा। अब कोई भी चीज को आप इंडियन बोलना चाहो, इंडियन कल्चर, तो वहां पे इंडिश आएगा, वो कैसे यूज करना है वो बाद में सिखाऊंगा मैं आपको, है ना, एडजेक्टिव की एंडिंग आएगी फिर इंडिश या कुल्टवर, ठीक है। इंडिश का मतलब है कोई भी चीज को इंडियन टच देना है, आपको इंडियन बताना है, इंडियन बुक्स, इंडियन म्यूजिक, इंडियन फिल्में, इंडियन लॉग, तो आ जाएगा वो। लेकिन कोई बोले कि मैं इंडियन हूं, इस बिन इंडर, फीमेल इस बिन इंडरिन, क्लार क्लियर, ओके डन। मनोज, इस गाइस है मनोज कुमार चौधरी, इस गो में हाउस राजस्थान, इस
Shailendra, loud and clear. Hello. Yeah, hello. Ish I say Shailendra Singh, ish come aus Rajasthan, ish born in Jaipur, ish learn Deutsch. Ish learn Deutsch. So, ye aapka Vorstellung. इसको जैसे मैंने यहाँ बोला ब्रिटिश टेलेंजी जिशफोर प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इसको एक वर्ड में बोलेंगे फोर स्टेलूम। फोर स्टेलूम का मतलब है इंट्रोडक्शन, फोर स्टेलूम इंट्रोडक्शन। कोई बोल सकता है फोर स्टेलूम बेटा, बेटा का मतलब प्लीज इंट्रोडक्शन प्लीज, ऐसे भी बोल सकता है ना। So, yeah. लेकिन कल अगर मान लो मैं आपको ऐसे बोल दूं वी हाइसन जी तो पूरा मत शुरू हो जाना, उसका मतलब केवल अपना नाम बोलना है। वो हेर कॉमन जी वेयर डू यू कम फ्रॉम, तो यही बोलना है केवल, इसको मैं आउस उंच वो वोनन जी रहते कहाँ हो, इश वोने इन जयपुर, वो ही बताना है पर्टिकुलर जो पूछा जाए। सो ये तो एक बात हुई, ये चार डब्लू वर्ड, आपको तीन चार डब्लू वर्ड और बताऊंगा फिर हम आएंगे अपने कल के टॉपिक पे। We, वो है वो उन वास, that's okay? We fragen. W words. We fragen. वो woher wohin. One was we feel air. And warum, इनकी बात करेंगे आज, बाकी कल करेंगे। We fragen means W words, W questions. Frage is question. कल हमने सिंगुलर प्लूरल की बात करी थी क्या? So the frage is the word. The frage. अब आपको समझ में भी आएगा उसका लॉजिक कि the frage का मतलब है question, ये फेमिनिन वर्ड है तो इसका प्लूरल कैसे बनना चाहिए? Fragen. N लगना चाहिए, जिसके लास्ट में E होता है उसका प्लूरल हम लोग N लगा के बनाते हैं। So the frage, the fragen. एंड वे फ्राग है, वे डब्ल्यू को वे बोलते हैं ना, आ वे से डे ऐसे डब्ल्यू को बोलते हैं वे, तो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं वे, वे फ्राग डब्ल्यू क्वेश्चंस। वो वोहर वोहिन, देखो तीनों में ही वो है, तीनों में ही वो है, वो एंड वो तीनों में वो है, तो वो का मतलब होता है कहां, वेयर, तीनों में ये वो। लेकिन जो हेर और हिन है ये है हेर और हिन, हेर का मतलब है कोई आपकी तरफ आ रहा है और हिन का मतलब है कोई आपसे दूर जा रहा है। हेर का मतलब कोई आपकी तरफ आता है और हिन का मतलब होता है कोई आपसे दूर जाता है। तो हम किसी को कहते हैं भाई कहां से आ रहे हो, तो बंदा पहले वहां नहीं था ना, कोई कहीं से आपकी तरफ आ रहा है, तो ऐसी बात पूछने के लिए हमेशा वोहर बोलेंगे, वोहर हेर में आपकी तरफ आ रहा है, तो हम उसको ट्रांसलेट करें यहां पे तो वेयर फ्रॉम, आपकी तरफ आ रहा है ना, और हिन में है आपसे दूर जा रहा है, तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो बोल देंगे वेयर टू, कहां को कहां से, कहां से कहां को, और वो का मतलब है कहां, कहां से आ रहे हो कहां जा रहे हो। सो कहां में क्या है, एक स्टैटिक सिचुएशन है, इसमें कहीं से आ रहा है और इसमें कहीं जा रहा है, लेकिन वो में ना तो कहीं से आ रहा ना कहीं जा रहा, तो आप बोलते हो कहां हो, कहां हो पूछना हो
कहाँ रहते हो, कहाँ काम करते हो, तो कोई आने जाने की बात नहीं कर रहे ना, तो वो आ जाएगा। वो कहाँ मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और कहाँ से मतलब कहीं से आने की बात, और कहाँ को कहीं पे जाने की बात। तो आपको पहले पता रहेगा कि क्या यूज करना है। अब कोई इसको सेंटेंस में बोले तो बोलेगा, वो वर्ब आ जाएंगे आपको, वो वोनन जी, वोनन का मतलब है टू लिव, टू लिव है वोनन। चलो ये तो पहले तीन हो गए, इनका डिफरेंस आपको पता चल गया। नेक्स्ट वन का मतलब है व्हेन, कब, जब नहीं कब। वास का मतलब है व्हाट, क्या। वी का मतलब है हाउ, वी फील हाउ मच, वी फील हाउ मेनी। वारूम, वारूम का है वाई, क्यों, वाई। हाउ कैसे, हाउ मच कितना, कितने। ये वी फील है हमेशा काउंटिंग, काउंटेबल के लिए। हाउ मेनी मेंबर्स आर यू इन योर फैमिली, We are six members. आप कह नहीं सकते यार पता नहीं हम कितने हैं, गिन के बताऊंगा, हाँ बता ही दोगे। We feel है how many. So how many, how much, how, what, when, warum, why, wonen, wonen is to live. Common is to come. Gain. Sir, V जैसे है तो how मतलब कैसे हो, how वो वाला ना कैसे हो, कैसे, इसका मतलब है कैसे। अब हो बोलना जरूरी नहीं है, कोई बोल सकता है कैसे खाते हो, हाथ से खाते हो, चम्मच से खाते हो, तो ये कैसे है केवल। अब how are you, मैं कैसे हो, तो वहां वी गेट अस, वो आगे क्या वर्ब है उस पर डिपेंड करता है। सो गेन इज टू गो, वोनन इज टू लिव, माखन इज टू डू, आज ही यूज किया हमने माखन, माखन इज टू डू, लेमन टू लर्न सीखना, लर्नन, ओके। अब इनसे मान लो मेरे को वर्ब कोई सेंटेंस बनाना है, कहां रहते हो, रहना वोनन है इसमें, वो वोनन जी। सेंटेंस का स्ट्रक्चर जब हम लोग देखते हैं तो आपको पता है नॉर्मली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है नॉर्मली, लेकिन अगर डब्ल्यू वर्ड आ गया तो पहले वे वर्ड, वे वर्ड का मतलब डब्ल्यू वर्ड आ जाएगा सबसे पहले पोजीशन वन पे, और पोजीशन टू पे अभी भी वर्ब ही रहेगी, पोजीशन टू पे, और उसके बाद में आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो जो भी बचा हुआ बाद में आएगा, और क्वेश्चन मार्क तो लास्ट में लगेगा ही लगेगा। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर में जनरली कहां रहते हो, वो वोनन जी। अभी हम लोग जी की ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहां रहते हो, सो वो वोनन जी। ये वोनन जो है ना जी के कारण पूरी वर्ब आई है,
अगर यहाँ पे डू बोल दोगे तो यहाँ एस टी आ जाएगा अपने आप ही, आपको पता है इश वोने, अगर वर्ब वोनन है तो इश वोने डू वॉन्स्ट एर एस सी तीनों का वॉन्ट वी आर वोनन ये वॉन्ट जी जी वोनन, तो वर्ड तो वोनन है। अब जी के साथ यूज करना है आपको कि आप कहां रहते हो, तो हो गया वो वोनन जी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस रूल डब्ल्यू वर्ड इन द बिगिनिंग एंड फिर वर्ब और फिर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, डब्ल्यू वर्ड वर्ब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो वो वोनन जी। अगर डू से बनाना है कहां रहता है, सो वो वॉन्ट्स डू, एस टी लग गया डू के कारण, वो वॉन्ट्स डू कहां रहता है भाई, आंसर तो वही आएगा इश वो ने इन जलेबी चौक है, इश वो ने इन सरदार शहर, इश वो ने इन जयपुर, प्लेस का नाम हो सकता है कुछ भी, ओके ऐड आएगा उसमें तो खैर। सो वो वोनन जी वो वॉन्ट्स डू। अब कोई बोले कहां से हो, तो वोहर के साथ कॉमन वर्ब आएगी, वोहर कॉमन जी, वेयर डू यू कम फ्रॉम, क्योंकि कहां से आ रहे हो, कहां से आ रहे हो। नेक्स्ट वाले पेज पे करता हूं मैं, वो वोहर वोहिन, पहले का किया हमने वो वोनन जी मतलब कहां रहते हो, वर्ब यूज करी वोनन, दूसरे में वर्ब यूज करेंगे कॉमन, कॉमन इज टू कम, तो कहां से आ रहे हो भाई, वो है कॉमन जी आ जाएगा, वो वोनन जी का मतलब है कोई पर्टिकुलर पॉइंट की बात है, कहां रहते हो, यहां पे रहता हूं, वो हेर का मतलब है कहीं से आने की बात है, वो हेर कॉमन जी वेयर डू यू कम फ्रॉम, और गेहन में वोहिन गेहन जी, गेहन का मतलब है टू गो, सो वोहिन वोहिन में कहीं जाने की बात है, तो वोहिन गेहन जी। अगर मान लो कल को आपको पता चल जाए कि फॉरन एक वर्ब है तो भी यही आएगा, टू ट्रेवल टू ड्राइव, एक वर्ब पता चल जाए आपको फ्लीगन कोई वर्ब है टू फ्लाई, तो बाई एयर जा रहे हो, ये तीन वर्ब है गेहन फॉरन और फ्लीगन, गेहन में जनरली ऑन फुट, जनरली फॉरन में बाई सम व्हीकल, कोई भी व्हीकल मतलब स्कूटर साइकिल कुछ भी, फ्लीगन में बाई एयर, ये मैसेज है कि कौन सी वर्ब यूज करनी है, जब पैदल जाने की बात होती है तो जनरली गेहन यूज करते हैं अपन बोलचाल में, गेहन, फॉरन इज टू ट्रेवल बाई साइकिल स्कूटर मोपेड ट्रक ट्रैक्टर कार एनी व्हीकल एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप यूज करते हो रोड पे, है ना, रोड पे ही नहीं पानी में भी, बस उड़ने की बात नहीं है उसमें, ठीक है, बट फ्लीगन यूज कर रहे हो तो आप बाई एयर जा रहे हो, आप बोलोगे वोहिन फ्लीगन जी। सो ये तीनों हो गए, वो वोहर और वोहिन, इसमें कोई बंदा एक स्टैटिक एक जगह पे है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है, कहीं आ जा नहीं रहा, इसमें कहीं से आ रहा है और इसमें कहीं को जा रहा है, तो उसी हिसाब से आपको ये यूज करना है। इंग्लिश में तो आप क्या होता तीनों को वेयर ही बोल दो, बट वेयर वेयर फ्रॉम और वेयर टू वो सेंस रखना है।
देन वास का मतलब बताया आपको व्हाट, व्हाट आर यू डूइंग वास मखन जी, वास का मीनिंग था व्हाट, वास माखन जी, माखन का मतलब है टू डू, तो वास माखन जी। कल को आपको पता चल जाए कोखन का मतलब टू कुक है, तो पूछ लो वास कोखन जी। वास मतलब व्हाट, अब आपको मीनिंग आना चाहिए, वर्ब पता होनी चाहिए, क्या पढ़ रहे हो वास लेजन जी, क्या खा रहे हो वास एसन जी, क्या पहन रहे हो वास्त्रागन जी, ये धीरे धीरे आपको वर्ब पता चलती जाएगी, बट इसका मतलब है व्हाट। और जी के साथ तो हर बार मैं जानबूझ के जी इसलिए ले रहा हूँ कि जी में क्या है वर्ब को कंजुगेट भी नहीं करना पड़ता, ई एस टी का दिमाग ही नहीं लगाना, पता ही है ना जी लगा देता हूँ ताकि सीधा वर्ब ऐसे की ऐसे यूज कर लूँ। मतलब आप किसी से पूछ रहे हो अभी, शुरू में जानबूझ के हम लोग डू और जी से ही बनाते हैं कि तुम क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, अदरवाइज तो बन तो किसी से भी सकते हैं, जितने भी पर्सनल प्रोनाउन है। मैं आपसे ये भी पूछता हूँ, पूछ सकता हूँ कि वो क्या खाता है, वो क्या करता है, किसी तीसरे की बात करूँगा तो फिर क्या होगा, मैं जानबूझ के अभी जी ले रहा था, लेकिन मान लो एयर है तो एयर के साथ टी लगता है ना, तो मैं बोलूँगा वास माक्ट एयर, तो एयर आ जाएगा। यहां जो भी आप यूज कर रहे हो सब्जेक्ट, उसी के हिसाब से वर्ब का कंजुगेशन, वर्ब का ऑपरेशन करना है। वास मार्क्ड एयर का मतलब वो क्या करता है, और किसी फीमेल के लिए पूछना है वास मार्क्ड जी, वह क्या करती है, और प्लूरल के लिए पूछना है अरे वो करते क्या है, वो लोग क्या करते हैं, व्हाट डू दे डू, तो वास क्या आएगा, दे के लिए क्या आएगा, इंग्लिश में थोड़ी दिखूंगा जी, वास माखन जी, व्हाट डू दे डू, वो क्या करते हैं, तुम सब करते क्या हो, तो तुम सब बोलना हो, यहां ईयर लगाना हो तो क्या बोलूंगा, वास माक्ड ईयर, वास माक्ड ईयर, तुम सब करते क्या हो, जर्मन तो सीखते हो ठीक है, उसके अलावा भी तो क्या करते होंगे, कुछ तो करते होंगे, कोई हो सकता है बैंक में काम कर रहा है, कोई हो सकता है किसी हॉस्पिटल में है, सो वास माक्ड ईयर, तुम लोग करते क्या हो, सर मैं तो आलू की सब्जी बनाता हूं, अरे वैसे नहीं, करते क्या हो, प्रोफेशन, तो फिर एक वर्ड लगाना पड़ता है वास माखन जी बेरूफलिश, खैर वो बाद में करेंगे उसको, बेरूफलिश करके एक वर्ड है, बेरूफलिश मतलब बाय प्रोफेशन, वास माखन जी मतलब व्हाट यू डू, व्हाट डू यू डू, और बेरूफलिश जोड़ दिया तो बाय प्रोफेशन करते क्या हो, सब्जी तो बनाते हो ठीक है, वो तो मैं भी बनाता हूं, लेकिन करते क्या हो, ओके सो ये आ गया वो गोहेर गोहिन, वन वन के अलावा वी और वारूम, ओके नेक्स्ट है वन और वारूम, वन का मतलब है कब और वारूम का मतलब है क्यों, वाई, आपने बोला मैं जर्मन सीखता हूं, तो सेंटेंस था इश लर्ने डॉइच, आपका नॉर्मल सेंटेंस था इश लर्ने डॉइच, मैं जर्मन सीखता हूं, मैं बोलूं यार तुम जर्मन कब सीखते हो, तुम तो पूरे दिन यहां वहां घूमते रहते हो, जर्मन सीखते कब हो तुम हॉस्पिटल में काम करते हो, तुम तो जर्मन कब सीखते हो, तो वन आएगा उसमें वन लर्नर जी, डॉइच लगा दो, वन लर्नर जी, यहां तक कब सेंटेंस हो गया, तुम कब सीखते हो, अब क्या का जवाब देना है, वन लर्नर जी डॉइच लगा दो,
one lernen Sie Deutsch, one kochen Sie, cook kab karte ho, one gehen Sie, kab ja rahe ho. अब गेस्ट आए हुए हो, तीन चार दिन हो गए, मैंने पूछ लिया हिम्मत करके कि कब जा रहे हो वापस वन गेन जी. बोले नाइन इज गेयर नेस्ट. नेस्ट का मतलब नॉट, आई एम नॉट गोइंग, इज गेयर नेस्ट, नहीं रहूँगा, नहीं रहोगे. वन लर्नन जी डॉइच, वेन आर यू लर्निंग, वाई आर यू लर्निंग, वाई, तो क्या बनेगा? Warum lernen Sie? क्यों सीख रहे हो? और जर्मन लगाना है तो warum lernen Sie Deutsch? जनरली सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर ही है अपना. जनरली सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं आपको पता है? सबसे पहले नॉर्मल स्टेटमेंट में हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं, वर्ब लेते हैं और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं अगर होता है तो. ये एक जनरल स्टेटमेंट होता है. इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब तो अपनी जगह नहीं छोड़ेगी भाई, वर्ब को सेकंड पोजीशन पे ही आना है. अब क्वेश्चन वर्ड, डब्ल्यू वर्ड भी कोई आ रहा है तो भी वर्ब सेकंड पोजीशन पे ही है. कभी नॉर्मल सेंटेंस में भी आप ऐसा कर सकते हो, नॉर्मल सेंटेंस में कि कभी कभी हो सकता है सब्जेक्ट की जगह आ जाए, इसकी जगह आ जाए, तो भी आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, तभी तो वर्ब का कंजुगेशन उसके हिसाब से करोगे. तो बेटर है आप अभी एक बार इसको चेंज नहीं करो, आप सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिख दिया करो, ये बेटर है अभी फॉर द टाइम बीइंग. बट फिर कभी कभी ऐसे भी दिखेगा ना, तो भी आपको ये देखना है वर्ब किसके हिसाब से कंजुगेट हो रही है, उसी से पता चलेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है. तो डब्ल्यू वर्ड में भी हमने यही किया है. अब वर्ब को हमने सेकंड पोजीशन पे रखा है, कभी कभी सब्जेक्ट की जगह कोई और टाइम एलिमेंट पहले ले लिया. सपोज जैसे कोई बोले इश लर्ने होइटे, होइटे का मतलब होता है टुडे, होइटे. एक सेंटेंस लिख के बताता हूं आपको समझ में आए अच्छे से. इश लर्ने होइटे डॉइच, होइटे मतलब टुडे. Ich lerne heute मतलब टुडे, डॉइच मतलब जर्मन. आज मैं जर्मन सीख रहा हूं. इस माख है योगा मॉर्गन, या फिर इस माख है मॉर्गन योगा, कल मैं योगा करूंगा. तो तीन वर्ड है होइटे मॉर्गन विस्टन, होइटे मतलब टुडे, गेस्टर्न का मतलब है यस्टरडे, और मॉर्गन का मतलब है टुमारो. मॉर्निंग भी सुना होगा आपने, गुटन मॉर्गन, उसमें एम कैपिटल होता है. ये आज है टुडे, ये कल का है यस्टरडे, और ये टुमारो. मैंने बोला इस लैंड में होइटे डॉइच, मैं आज जर्मन सीख रहा हूं. अब कई लोग क्या करते हैं कि ऐसे कर देते हैं. तो सेंटेंस क्या हुआ, होइटे लर्ने इश डॉइच, होइटे लर्ने इश डॉइच. होइटे लर्ने इश, तो भी इसको गलत नहीं मानते क्योंकि जर्मन्स बोलते हैं वर्ब सेकंड पोजीशन पे थी, यहां भी वर्ब सेकंड पोजीशन पे ही है, तो कोई बात नहीं, ऐसे बोलते हैं कोई बात नहीं, वर्ब सेकंड पोजीशन पे रखो तो कोई बात नहीं. बट इसके साथ में वो एक बात और बोलते हैं, बोले सब्जेक्ट को पहली पोजीशन पे रखना चाहिए. आपने टाइम एलिमेंट पहले लिया तो अब जो सब्जेक्ट है वो कौन सी पोजीशन पे गया, थर्ड पे गया. अब इसको थर्ड पे ही रखना, इसको कोने में मत ले जाना कहीं लास्ट में, इतना ही सेक्रीफाइस कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं. कहीं आप इसको और पीछे ले जाओ और ढोइच के भी बाद में टिका दो, ऐसा नहीं होगा.
सब्जेक्ट विल बी आइदर ऑन पोजिशन वन और पोजिशन थर्ड, इससे ज्यादा नहीं। और क्वेश्चन वर्ड में क्या हो रहा है यहां पे, यहां पे यही हो रहा है कि डब्ल्यू वर्ड आ गया, जैसे वहां पे टाइम आ गया था सपोज, ऐसे यहां पे डब्ल्यू वर्ड आ गया कोई, तो जो सब्जेक्ट था जिसको पहले पे रहना चाहिए था वो अब थर्ड पे है, इससे ज्यादा नहीं किसका सकते उसको, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि सब्जेक्ट को नॉर्मल रूल भी है, मतलब डब्ल्यू वर्ड है तो दैट विल कम इन केस ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब अपना जगह नहीं छोड़ेगा, सो सब्जेक्ट विल मूव टू थर्ड वर्ड, इंटरचेंज हो जाएगा, एक तरह का रूल हो गया ना, रूल ही हो गया ये, राइट। कि सब्जेक्ट नॉर्मली फर्स्ट पोजीशन पे रहता है, वर्ब अपनी जगह नहीं छोड़ेगा नहीं, तो ऑब्वियसली उसके लिए थर्ड प्लेस ही बचता है, फिर वो ये भी कहता है कि थर्ड से आगे सब्जेक्ट पढ़ भी नहीं सकता, आगे भी नहीं भेजना है उसको, है ना, नहीं तो ढूंढते ही रहेंगे सब्जेक्ट गया कहाँ, फिर कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो है सब्जेक्ट कहाँ? यस सर, ये हॉटे वाला क्या आपने बताया? हॉटे इज टुडे, ये वर्ड बताएं तीन, मैंने टुडे, यस्टरडे एंड टुमारो, हाँ पीछे है ना, और वो आगे है, और ये आज, हॉटे गेस्टर्न मॉर्गन, डब्ल्यू वर्ड में अभी हम आज इतना ही ले रहे हैं, अब वापस पुरानी बात पे आते हैं।